कमलपुर नाम के गांव में राजू अपने माता पिता के साथ रहता था। गांव में पानी की काफी समस्या थी। राजू की माँ सुबह सुबह नदी से मटका लेकर पानी भरने जाती थी। राजू भी अपनी माँ के साथ जाता था और गांव की कई महिलाएं भी साथ रहती थी। परंतु पिछले कुछ महीनों से बारिश नहीं हुई, इस वजह से नदी और कुओं का पानी काफी कम हो गया था। यह देखकर राजू की माँ और बाकी सभी महिलाएं चिंतित हो गईं। अरे कितने महीनों से बारिश नहीं हुई, यह नदी भी सूखने आई है, अब हम पानी कहाँ से भरेंगे? गांव में और कोई नदी भी तो नहीं है। हाँ बहन, अब अगर यह नदी पूरी तरह से सूख गई, तो हम पानी कहाँ पाएंगे? बगल वाले गांव में भी एक नदी है, पर वह गांव यहाँ से काफी दूर है। अगर यह नदी सूख गई, तो हमें पानी नहीं मिल पाएगा। बहुत दूर तक जाने की मशक्कत करनी पड़ेगी, तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगले दिन सब दूसरे गांव नदी में पानी भरने जाते हैं। उनको वहां आते देख वहां के गांव वाले बोल पड़ते हैं, सुनिए, हमारे गांव में काफी महीनों से बरसात नहीं हुई है और नदी में सिर्फ इतना ही पानी बचा है कि हमारे गांव का गुजारा होना मुश्किल होगा। आज आप सभी यहां से पानी अवश्य भर लें, पर कृपा करके कल से यहां पानी भरने ना आना। ऐसा लगता नहीं कि जल्दी बारिश भी होने वाली है, तो ऐसे समय में यही नदी हमारे पूरे गांव की प्यास बुझाएगी। अरे बहन, हमारे गांव की नदी सूख गई है और हमारे यहाँ पानी का कोई जरिया भी नहीं है, तो अगर हम आपके यहाँ से पानी नहीं भरेंगे तो हम प्यासे रह जाएंगे। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, परंतु इस नदी में इतना पानी नहीं है कि दोनों गांव के लोगों की प्यास बुझा सके। ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले अपने गांव वासियों के बारे में ही सोचेंगे ना। राजू की माँ और सभी महिलाएं और राजू निराश होकर पानी भर के अपने गांव वापस चले जाते हैं। रास्ते में एक पत्थर की वजह से राजू की माँ का पैर फंस जाता है और पानी से भरा मटका गिरकर टूट जाता है। गरीबी में आटा गीला होने जैसी बात हो जाती है। अरे माँ, अब हम क्या करेंगे, हमारा मटका तो टूट गया, घर पर एक बूंद पानी भी नहीं है, नया मटका उधार लेना होगा। अरे अब हम क्या करेंगे, न घर में पानी है और न ही पानी मिलने के आसार है। ऐसे में जो बचा कुचा पानी था वह भी गिर गया और मटका भी टूट गया। अभी हम पड़ोसी गांव में ही है, तो क्यों ना यही एक मटका ढूंढकर फिर से पानी भर ले। हाँ, पर यहाँ मटका मिलेगा कहाँ, और मैंने मटका खरीदने के पैसे भी नहीं लिए, क्या यहाँ का कुम्हार उधार मटका देगा? बात करके देख लेना, शायद मिल जाए। थोड़ी देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद राजू को पेड़ पर एक मटका टंगा हुआ मिलता है। वह मटका बहुत ही बड़ा और सुंदर लगता है। ये देखो माँ, पेड़ पर कितना सुंदर और बड़ा मटका है, लगता है भगवान ने हमारी बात सुन ली। हाँ राजू, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब कल का क्या होगा पता नहीं, पर आज के पानी का इंतजाम तो हो जाएगा। राजू की माँ और बाकी औरतें बगल वाले गांव से पानी भरकर अपने घर जाती हैं। सूखे की वजह से गांव की नदी सूख गई थी और अब तो पास के गांव वाले ने भी पानी देने से मना कर दिया था। पूरा गांव चिंता में यह रात निकाल देता है। जब राजू सुबह उठता है तो एक नजारा देखकर दंग रह जाता है। माँ जल्दी आओ, यहाँ देखो क्या है। अरे बेटा, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? माँ देखो, ये मटका अभी भी पूरा भरा है, ऐसा लग रहा है जैसे इसे हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। अरे यह कैसे हो सकता है, मुझे तो अच्छे तरीके से याद है कि मटके का आधे से ज्यादा पानी मैंने कल भी इस्तेमाल किया था। एक काम करते हैं, इसका पानी एक दूसरे बर्तन में डाल देते हैं, तो समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। राजू की माँ मटके का सारा पानी दूसरे बर्तन में डाल देती है। वो फिर मटके में देखती है तो चकित रह जाती है। अरे यह कैसे हो रहा है, इससे पानी निकाल रही हूँ फिर भी मटका पूरा भरा है, यह कोई साधारण मटका तो नहीं लगता। इतने में मटके से एक आवाज बाहर आती है। मैं एक साधु की आत्मा बोल रहा हूँ, मैं कई सालों से इसी स्थान पर तपस्या कर रहा था जहाँ पर तुम्हें यह मटका मिला। काफी आयु होने के बाद मैंने समाधि ले ली और मेरा सारा पुण्य इस मटके में आ गया था। यह मैंने इसीलिए किया था क्योंकि इस गांव में पानी की समस्या बहुत सालों से चली आ रही थी, इसीलिए जब भी समस्या आए तो इस मटके के मदद से गांव के लोगों की समस्या दूर हो जाए। पर इस मटके का लाभ सिर्फ तुम अपने पास तक सीमित मत रखना, प्रत्येक गांव वासी को इसका लाभ कराइए और सबकी प्यास बुझाइए।
महर्षि, हम वही करेंगे जैसा आप चाहते हैं। ऐसे मटके में आकर आपने हम सभी गाँव वासियों का कल्याण कर दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर गाँव वासी को आजीवन इस मटके से जल देती रहूंगी। राजू बेटा, जाकर सभी गाँव वालों को यहाँ बुला कर लाओ, ताकि सबकी मदद हो सके। और हाँ, भूलना मत, सबको अपना मटका साथ लाने के लिए कहना। जी माँ, मैं अभी जाता हूँ और सबको लेकर आता हूँ। राजू पूरे गांव में जाता है और सभी को अपने अपने मटके लेकर आने के लिए कहता है। कुछ ही समय में पूरा गांव राजू के घर पहुँच जाता है। परंतु सभी को मटके लेकर क्यों बुलाया गया है, यह चीज उन्हें पता नहीं होती है। राजू की माँ, आपने हम सबको मटके लेकर क्यों बुलाया है? क्या आपके पास पानी का प्रबंध करने की कोई तरकीब है? हमारे घर में तो बिल्कुल पानी नहीं है। आपको याद है कल जो मटका मुझे मिला था और जिसमें मैं पानी भर कर लाई थी, वह कोई आम मटका नहीं है, बल्कि एक महर्षि के पूरे जीवन का पुण्य है उस मटके में, और वह जादुई मटका है। यही नहीं, उस मटके का पानी खत्म ही नहीं होता और बहुत ही स्वच्छ रहता है। अब से आजीवन उस मटके की मदद से हम हमारे गांव की पानी की समस्या दूर कर लेंगे। आप सभी कोई भी समय उस मटके से पानी भरने आ सकते हैं। इस प्रकार जादुई मटके की मदद से पूरे गांव के पानी की समस्या सुलझ जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। लालजी मामा। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और सभी बच्चे गांव में अपने नाना नानी और दादा दादी के घर कुछ दिन रुकने के लिए आ गए थे। साल भर में यही समय होता था जब रामपुर की गलियों में लोगों के हंसने खेलने की आवाजें आती थी। बड़े बुजुर्गों को अपने नाते पोतों को देखने और उनके साथ समय बिताने का कुछ मौका मिल जाता था, तो फिर बच्चों के लिए भी बहुत कुछ सीखने का अवसर होता था। बच्चे तो जानते ही थे कि पूरे गांव में मस्ती करेंगे वो अलग। रामपुर गांव में बच्चों के लिए एक छोटा सा खेल का मैदान था जो कि तालाब के पास था। सभी बच्चे शाम को उसी मैदान में खेलने के लिए जाया करते थे। मैदान के पास एक घर था जिसमें लखन नाम का एक व्यक्ति रहता था। सभी बच्चे उसे मामा मामा कहकर पुकारते थे। लखन के घर में सिर्फ वो और उसकी पत्नी रहते थे। लखन पास के तालाब में मछलियां पकड़ने का काम करता था और यही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। लखन एक नंबर का लालची इंसान था। उसे बच्चे बिल्कुल पसंद ना आए। बच्चे उससे अक्सर पूछते थे, मामा मामा, क्या हम भी देख सकते हैं कि आप कैसे मछली पकड़ते हो? तो लखन कहता, अरे नहीं, मुझे परेशान मत करो, भागो भागो यहाँ से, जल्दी करो। खेल का मैदान छोटा होने के कारण सभी बच्चों को थोड़ी सी जगह में ही खेलना पड़ता। ऐसे में बच्चों की गेंद अक्सर लखन के घर के आंगन में चली जाती थी। बच्चे उससे कहते, मामा इस बार दे दीजिए, अगली बार गेंद आपके घर में नहीं आएगी। तो लखन कहता, इस बार तो आ गई ना, चलो चलो भागो यहाँ से, अब तुम्हें ये गेंद नहीं मिलेगी। लखन कभी भी बच्चों का सामान वापस नहीं करता था। कई बार गांव के लोगों ने समझाया भी, लेकिन उसने कभी न समझा। एक बार एक बूढ़े आदमी ने उससे कहा, क्यों लखन, तुम बच्चों की गेंद क्यों नहीं दे देते उन्हें? अब छुट्टियों में तो आते ही हैं ये बच्चे, और आते हैं तो तुम्हारा कोई नुकसान थोड़े ही करते हैं। लखन कहने लगा, ठीक है, अब की बार से वापस कर दूंगा, लेकिन सबको झेलना तो मुझे ही पड़ता है ना। कहने की बात अलग और करने की अलग। लखन तो अभी भी कोई गेंद वापस नहीं करने वाला था। बस वो बूढ़े आदमी का अपमान नहीं करना चाहता था, तो उसने हाँ में हाँ भर दी। अगले दिन जब बच्चों की गेंद लखन के आंगन में चली गई, तो उन्होंने आवाज लगाई। बच्चे कहने लगे, मामा हमारी गेंद दे दीजिए, आपके आंगन में आ गई है मामा, प्लीज। लखन ने जैसे ही बच्चों की आवाज सुनी, वो घर के अंदर छिप गया और ऐसा दिखाने लगा जैसे घर में कोई है ही नहीं। बच्चों ने बहुत आवाजें लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया। पर बच्चे भी मामा की सभी चालाकियों से वाकिफ थे।
उन्होंने योजना बनाई कि आज तो मामा को घर से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। बच्चे एक चमकदार पॉलिथीन ले आए और एक बड़े से पत्थर पर उसे लपेट दिया। बच्चों ने उस पत्थर को तालाब में फेंक दिया, जहां लखन ने मछली पकड़ने का जाल लगाया था, और फिर लखन के घर के पास आकर चिल्लाने लगे। बच्चे कहने लगे, अगर गेंद नहीं देनी तो मत दो, लेकिन हमारी बात तो सुन लो। तालाब में आपने जो जाल लगाया है, उसमें कोई चमकदार और बड़ी मछली फंसी है। लखन समझ गया कि बच्चे उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे, इसलिए उसने कुछ जवाब न दिया। बच्चे फिर बोले, अरे नहीं नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही चमक रहा है, ये मछली नहीं हो सकती, शायद कुछ और ही है, है ना चिंटू? ए ए चिंटू, देख, तू उससे दूर रहना, क्या पता वो मामा की कोई कीमती चीज हो। घर के अंदर छिपे लखन के दिमाग में तीन शब्द घूमने लगे, बड़ी, चमकदार और कीमती। लखन ने सोचा कि क्या पता बच्चे सही बोल रहे हों और जाल में सचमुच ही कुछ ऐसा हो। राजा महाराजाओं के डूब चुके खजानों के किस्से तो उसने भी सुन रखे थे। मन ही मन सोचने लगा, कहीं मुझसे पहले ये बच्चे उसे ना ले जाए। इतना सोचते ही लखन ने घर से बाहर दौड़ लगाई और बच्चों के बीच से सीधा होते हुए तालाब की ओर भागा। जब लखन की नजर उस पर पड़ी तो उसे भी लगा कि ये वाकई कोई कीमती वस्तु है। लखन ने आग देखा ना था, सीधा जाल पर छलांग मारी और उस चमकदार चीज को उठा लाया। उसको उठाते ही वो समझ गया कि वो और कुछ नहीं, बस एक मामूली सा पत्थर है। परंतु अब सोचने समझने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। लखन के वजन से वो जाल टूट गया, जाल में फंसी सभी मछलियां भी पानी में लौट गई और लखन का सारा घमंड, सारा लालच अब उस पानी में धुल चुका था। बच्चों ने लखन को बेवकूफ बनाकर अच्छा नहीं किया, लेकिन लखन को इस बात पर कभी गुस्सा ना आया। वो समझ गया था कि ये सब उसी की लालच का परिणाम है। उसने बच्चों का सब सामान लौटा दिया और फिर कभी भी उन्हें खेलते वक्त परेशान नहीं किया। कई साल पहले की बात है, एक माधवपुर नामक गांव में आलोकनाथ नाम के एक मशहूर वैद्य रहते थे। वे जड़ी बूटी के माध्यम से अमीर गरीब सबका बहुत कम पैसे में इलाज करते थे। वैद्य जी ने अपने घर के आसपास बहुत सारी जड़ी बूटियों की खेती की थी। एक बार एक जमींदार के बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसने हर जगह अपने बेटे का इलाज कराया, लेकिन कोई लाभ ना हुआ। उसे कुछ लोगों ने वैद्य आलोकनाथ जी का नाम सुझाया। वो अपने बेटे को लेकर वैद्य जी के दवा खाने पर आ गया। वैद्य जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए, आपको मैं मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा इकलौता लाडला बेटा है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसे ठीक कर दीजिए। बाबू साहब, आप हाथ मत जोड़िए, मैंने इसके रोग को समझ लिया है। इसका इलाज बहुत कठिन है, लेकिन मैं करूँगा। मुझे इसके इलाज के लिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी चाहिए। वो जड़ी बूटी यहाँ से बहुत दूर एक पर्वत के पास मिलती है। वैद्य जी, मैं आपके लिए एक अच्छे रथ का प्रबंध कर देता हूँ, आप आराम से जाइए और वो जड़ी बूटी लेकर आइए, मेरे बच्चे की जान बचाइए। आप चिंता मत करिए, मैं वो जड़ी बूटी अवश्य लेकर आऊंगा। जमींदार ने रथ पर बिठाकर वैद्य जी को जड़ी बूटी लाने के लिए रवाना कर दिया। वैद्य जी जब उस पर्वत के पास पहुँचे तब उन्हें एक हंस दिखाई पड़ा। पंडित जी, यहाँ जड़ी बूटी के रखवाली के लिए एक भयानक राक्षस रहता है। वो अक्सर सोया रहता है, लेकिन किसी की भी आहट मिलने पर जाकर सामने आए व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर देता है। हे हंसराज, मैं एक वैद्य हूँ और एक बालक की प्राण रक्षा हेतु एक जादुई जड़ी बूटी लेने आया हूँ। यदि मुझे वो जड़ी बूटी मिल गई तो उस बालक के प्राण बच जाएंगे, क्या आप मेरी मदद करेंगे?
वैद्य जी, आप एक बहुत ही नेक इरादे से यहाँ आए हैं। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी यथोचित सहायता करूँ। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, मैं अभी जाकर राक्षस के चेहरे के सामने अपने दोनों पंखों को फैलाकर एक पर्दा बना दूंगा। यदि वो जाग भी गया तो आपको नहीं देख पाएगा। वो जादुई जड़ी बूटी गाढ़े हरे रंग की चमकती हुई दिखाई पड़ेगी। आप उसे लेकर शीघ्र ही यहाँ से चले जाइएगा। हे हंसराज, इसमें आपकी जान को खतरा हो सकता है। वैद्य जी, मेरी चिंता मत करिए, आप अपना कर्तव्य निभाइए। हंस अपने कहने के अनुसार राक्षस के पास जाकर अपने पंख फैलाकर बैठ गया। राक्षस तेज नींद में खर्राटे भर रहा था। वैद्य जी दबे पांव वहां से आगे बढ़ गए। वैद्य जी ने पर्वत पर तमाम जड़ी बूटियों पर अपनी नजर दौड़ाई। एक स्थान पर गहरे हरे रंग की चमकीली जड़ी बूटी दिखाई पड़ी। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने जल्दी जल्दी काफी जड़ी बूटी इकट्ठा करके अपने पास ले लिए। वो वहां से चलने लगे। राक्षस अब भी सो रहा था। एक दुष्ट कौवा पेड़ पर बैठकर यह सब देखकर काव काव करके शोर मचाने लगा। उसकी यह करतूत देखकर वैद्य जी भी भयभीत हो गए। राक्षस अब भी सो रहा था। कौवा शांत हो गया। वैद्य जी ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ गए। वे रथ पर सवार हो गए। रथ आगे बढ़ने लगा। कौवा फिर जोर जोर से काव काव करने लगा। इतने में उन्हें राक्षस की तेज आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने रथ रुकवाया और मुड़कर देखा तो राक्षस ने हंस को अपने हाथ में तेजी से पकड़ लिया था। यह हंस तो स्वयं ही अपनी मौत के मुंह में चला आया है। अब मैं इसका भक्षण करूंगा। असहाय हंस छटपटा रहा था। वैद्य जी से हंस का यह दुख देखा ना गया। वे रथ से उतर गए। वैद्य जी, आप मेरी चिंता मत करिए, आप जड़ी बूटी लेकर जाइए और उस बालक के प्राण बचाइए। वैद्य जी परोपकारी हंस को मृत्यु के मुंह में छोड़कर जाने वालों में से नहीं थे। वो किसी भी हाल में उसके प्राण बचाना चाहते थे। वे मन ही मन सोचने लगे कि हंस के प्राण की रक्षा कैसे हो। उन्होंने राक्षस से कहा, हे राक्षस राज, यह हंस तो अपने दोनों पंख फैलाकर आपके चेहरे पर आने वाले तेज धूप से आपकी रक्षा कर रहा था। आपको तो उसका उपकार मानना चाहिए। इसके विपरीत आप उसके ही प्राण लेना चाहते हैं। आपकी नींद में खलल डालने वाला तो वो दुष्ट कौवा है। हंस राज को छोड़ दीजिए। वैद्य जी के मुंह से यह बात जैसे ही निकली, उनके हाथों में स्थित जादुई जड़ी बूटी हिलने लगी। उसमें से एक धुआं निकला और राक्षस की तरफ बढ़ गया। राक्षस सोचने लगा और उसने हंस को तुरंत छोड़ दिया। तुम कौन हो? तुमने मेरे इलाके से जड़ी बूटी चुराई है। अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। राक्षस राज, यहाँ वैद्य राज है। इन्होंने अपने औषधोपचार से कई लोगों की जान बचाई है। यहाँ आपका भी इलाज कर सकते हैं। हाँ, मैं आपका भी इलाज करूँगा। ऐसा लग रहा था जैसे राक्षस पर जादुई जड़ी बूटी ने वशीकरण मंत्र कर दिया हो। राक्षस वैद्य जी को अपनी नाड़ी दिखाने लगा। राक्षस राज, आपको हृदय संबंधी परेशानी है। मैं एक अच्छी औषधि दे रहा हूँ, इसे 3 बार खाइए और आप सारे रोग से मुक्ति पा जाएंगे। वैद्य जी की बात सुनकर और उनसे औषधि प्राप्त करके राक्षस बहुत प्रसन्न हो गया। हे वैद्य जी, आपने मेरा इलाज करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आप यहाँ से ढेर सारी जड़ी बूटी ले जा सकते हैं। राक्षस ने स्वयं जाकर बहुत सारी दिव्य औषधियां लाकर वैद्य जी को दे दी। हंस राक्षस के हाथ में पकड़कर जख्मी हो गया था। उसे भी जादुई जड़ी बूटी के प्रभाव से वैद्य जी ने ठीक कर दिया। वैद्य जी प्रसन्न मन से रथ पर बैठकर अपने घर वापस आ गए। उन्होंने जादुई जड़ी बूटी का काढ़ा बनाकर जैसे ही जमींदार के बेटे को पिलाई, वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर बैठ गया।
जमींदार ने बहुत प्रसन्न होकर वैद्य जी को पुरस्कार स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। उस दिन से वैद्य जी ने जादुई जड़ी बूटी का उपयोग करके बहुत सारे मरीजों के असाध्य रोगों का इलाज करने लगे।